राहुल पूर्वोत्तर राज्य में प्रचार के लिए 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वो तूरा और शिलोंग में रोड शो करेंगे और जयंतिया हिल्स में रैली करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने ईसाई बहुल राज्यों में गिरजाघरों और धार्मिक संस्थानों के सौंदर्यीकरण के केंद्र के प्रस्ताव की आलोचना की और दावा किया कि आजकल पूर्वोत्तर के लोगों के प्रति भेदभाव बहुत अधिक होने लगा है और उनका निरादर किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि विजय माल्या और नीरव मोदी स्कैंडल में हमें ये तो पता चल गया कि सरकार न केवल भ्रष्टाचार मिटाने में नाकाम रही बल्कि वो उसमें सक्रिय भागीदार भी रही। इस सरकार ने उम्मीद, सुरक्षा और आर्थिक विकास देने के बजाय केवल नाउम्मीदी, बेरोजगारी, भय, नफरत और हिंसा दी है। हीरा कारोबारी नीरव मोदी के देश छोड़कर भागने की घटना के बहाने केंद्र से चुटकी लेते हुए राहुल ने कहा, मैं हम सब की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध करता हूं कि जब वो अपने विदेश दौरों में से किसी एक और दौरे पर जाएं, तो दूसरे मोदी जी को वापस लाएं। राहुल ने कहा कि मेहनत से की गई अपनी कमाई को वापस पाकर एक देश के तौर पर हम बहुत आभारी होंगे। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।